हेलो फ्रेंड्स, आज हम गुड़ और अदरक से मिठाई बनाने वाले हैं जो कि बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी और इम्यूनिटी बूस्टर है। ठंडी के सीज़न में क्या बच्चों को हमेशा सर्दी खांसी होती रहती है और ये होम रेमेडीज़ हम अक्सर घर पे बनाते रहते हैं गुड़ और अदरक वाली, बट बच्चे ईज़िली खाते नहीं हैं। अगर आप इस तरीके से मिठाई के फॉर्म में बनाएंगे तो बच्चे ईज़िली खा जाएंगे, उनकी सर्दी खांसी भी ठीक हो जाएगी, उनकी इम्यूनिटी भी बूस्ट हो जाएगी। और जैसे अभी कोरोना सिचुएशन चल रही है तो इस पेंडेमिक सिचुएशन में भी बच्चों को मीन्स इम्यूनिटी बूस्ट करने में हेल्प मिलेगी। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते तो यहाँ पे मैंने 150 ग्राम अदरक ले लिया है। अदरक को अच्छे से वॉश करके पील कर लिया था। आप चाकू की हेल्प से इसको पील कर सकते हो। देखिए इस तरीके से हल्के हाथ से छिलका निकाल लीजिए। फिर इसके बाद इसको ग्राइंड करना है, बिल्कुल बारीक ग्राइंड करिए। अगर अदरक के कोई टुकड़े रह गए तो आप उनको निकाल सकते हो, बड़े बड़े रह गए तो। इसको बहुत अच्छे से ग्राइंड करने के बाद हम इनमें गुड़ डालेंगे। तो अगर आप छोटे बच्चे के हिसाब से बना रहे हो, 2-3 साल के बच्चे के हिसाब से, तो गुड़ की क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा रखनी है, अदरक से डबल करके रख सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर इससे क्या होगा कि ज़्यादा तीखापन नहीं रहेगा और बच्चे इजीली खा सकते हैं। अगर ये आप अपने हिसाब से मतलब अपने लिए बना रहे हो तो आप गुड़ कम भी रख सकते हो, इसमें हल्दी वगैरह काली मिर्च वगैरह डाल सकते हो। इससे क्या होगा कि इसकी इम्यूनिटी और ज़्यादा बूस्ट हो जाएगी जो कि सर्दी खांसी को रिकवर करने में हेल्प करेगा। तो यहाँ पर मैं 1 पाव गुड़ ले रही हूँ, 5 से 6 चम्मच पानी ले रही हूँ। आप चाहो तो पानी की जगह पे घी भी ले सकते हो, घी डाल के इसको पिघला सकते हो। तो इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे या फिर हाई फ्लेम पे, मतलब अगर हाई फ्लेम कर रहे हो तो कंटिन्यूसली चलाते रहिए ताकि गुड़ जो है नीचे कढ़ाई में चिपकना नहीं चाहिए। और इसको बॉईल करना है। बॉईल करने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी चेक करनी है। मैं आपको आगे दिखाती हूँ किस तरीके से चेक करना है। तो ये जो इस मिठाई की रेसिपी है, मतलब ईजिली भी है, बहुत जल्दी आसानी से आप बना भी सकते हो और बहुत ही ज़्यादा हेल्थफुल है, इम्यूनिटी बूस्टर है। इम्यूनिटी बूस्ट होगी, बच्चे आराम से इसको खा सकते हैं और बड़ों के लिए भी बहुत अच्छी है। इससे इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, मैंने स्क्रीन पे लिख दी हैं कि जिंजर के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, तो आप देख सकते हो। तो देखिए जब तक हमारा मिक्सचर तैयार हो रहा है, जब तक हम प्लेट को ग्रीस करके रख लेंगे। यहाँ पे मैंने घी लगा लिया है प्लेट पे, तो इसको ग्रीस कर लेंगे अच्छे से। देखिए और यहाँ पे हम कंसिस्टेंसी चेक करेंगे, मिक्सचर की कंसिस्टेंसी सही है कि नहीं। तो आपको 1 कटोरी में पानी लेना है, ठंडा पानी, और थोड़ा सा कुछ ड्रॉप गुड़ के डाल के देख लीजिए। अगर ये पानी में फैल रहा है इट मीन्स कि नहीं हुआ है। अगर ये पानी में नहीं फैल रहा है, गोली बन रहा है, उठ के आ रहा है हाथ में, इट मीन्स कि हमारा जो है मिक्सचर तैयार हो गया है। फिर इसको आपको प्लेट में ट्रांसफ़र करना है। तो अभी भी थोड़ा सा गीला लग रहा है, मैं इसको 2 मिनट और रखूँगी। जब तक मैं इसमें कलर डाल रही हूँ, फूड कलर डाल रही हूँ, ये बिल्कुल ही ऑप्शनल है। अगर आपको डालना है, मतलब कलर अच्छा करना है, तो आप डाल सकते हो, अदरवाइज टेस्ट में बिल्कुल चेंज नहीं होते हैं, सिर्फ कलर ही चेंज होता है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा घी भी डाल लिया है ताकि टेस्ट जो है और है एनहांस हो जाए इस मिठाई का। तो देखिए इन सबको मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद सिर्फ 2 मिनट और पकाऊँगी, फिर हमारी इसकी जो मिक्सचर की कंसिस्टेंसी है वो प्रॉपर हो जाएगी। एक गोल अगर आप इसको पानी में डालोगे, एक गोली के फॉर्म में उठ के आ जाएगी। तो यही कंसिस्टेंसी रखनी है, फिर इसको प्लेट में ट्रांसफर कर देना है। और ये जो बन के तैयार होती है मिठाई, बिल्कुल जेली के फॉर्म में बन के तैयार होती है। अगर आप छोटे बच्चे को दे रहे हो तो आसानी से आप उसकी चॉकलेट का शेप दे सकते हो या फिर लॉलीपॉप वगैरह का शेप दे सकते हो ताकि बच्चे ईजिली खा सकें, क्योंकि बच्चों को किसी न किसी फॉर्म में देना बहुत ज़रूरी है। अभी कोविड सिचुएशन भी है, उनकी इम्यूनिटी बूस्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो आप इस तरीके से ईजिली वे में बच्चों की इम्यूनिटी बूस्ट कर सकते हैं। तो गाइज़ अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लग रही हो, ये वीडियो अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज़ लाइक करिएगा और ये रेसिपी घर पर ज़रूर ट्राई करिएगा। ट्राई करने के बाद अच्छी लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी। चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।